हेलो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल का होने वाला है। गाइस, जैसा कि आपने अभी वीडियो के स्टार्टिंग में जिस ट्रेंडिंग व्हाट्सएप स्टेटस वीडियो को देखा, दोस्तों आज मैं आपको कुछ इस तरह की व्हाट्सएप स्टेटस वीडियो बनाकर सिखाने वाला हूं। और दोस्तों, आप यहां पर अपने खुद के फ़ोटो से कुछ इस तरह का स्टेटस वीडियो बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग भी अपने खुद के फ़ोटो से कुछ इस तरह का स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप लोग देखते रहिए इस वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, क्योंकि दोस्तों मैं अपने चैनल पर ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में कानमास्टर ऐप की लिंक मिल जाएगी, तो आपको लिंक पर क्लिक करके कानमास्टर ऐप को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड होने के बाद कानमास्टर ऐप को ओपन करना है। कानमास्टर ऐप ओपन करते ही आपके सामने कुछ इस तरह से ऑप्शन आ जाएंगे। तो आपको वीडियो को बनाने के लिए पहला ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ से आपको Narrow 360 की साइज को सिलेक्ट करना है। गाइस, आपको लेफ्ट साइड में सेटिंग वाला आइकन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। एडिटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऊपर एक ऑप्शन मिल रहा है डिफॉल्ट डायरेक्शन ऑफ अ फोटो क्लिप, आपको इसकी डायरेक्शन को 0.5 पर इसको सेट कर देना है। नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है फिल स्क्रीन, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपको इसको डन कर देना है। मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही गाइस आपके मोबाइल की गैलरी ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से गाइस आपको एक इमोजी वीडियो को इसमें सेलेक्ट करना है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में जो भी वीडियो इफेक्ट साउंड यूज हो गया, आपको उन सभी का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको लिंक पर क्लिक करके सभी इफेक्ट वीडियो और साउंड को डाउनलोड कर लेना है। इस तरह से गाइस आपको इमोजी वीडियो को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट होने के बाद गाइस आपको फिर से मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ से आपको उस फोटो को या वॉलपेपर को सिलेक्ट करना है जिस पर भी आप वीडियो को बनाना चाहते हैं। तो यहाँ से गाइस हम वॉलपेपरों को इसमें सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से गाइस आप अपनी फोटो को या किसी वॉलपेपर को सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से गाइस आपको भी 15-20 वॉलपेपरों को इसमें सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट होने के बाद आपको फर्स्ट पोजीशन पर आ जाना है। अब गाइस आपको वॉलपेपर की लेयर को इस तरह से जूम कर लेना है। इस तरह से आपको वॉलपेपर की लेयर को जूम कर लेना है। जूम होने के बाद गाइस आपको फर्स्ट वॉलपेपर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको एक ऑप्शन मिल रहा है क्लिप ग्राफिक्स, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ से आपको नीचे चले जाना है। नीचे एक ऑप्शन मिलेगा गेट मोर, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही गाइस आपके सामने कुछ इस तरह से क्लिप ग्राफिक्स आ जाएंगे। तो आपको सेकंड नंबर पर इन एमिनेशन वाला क्लिप ग्राफिक्स देखने को मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको राइट साइड में क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है। तो गाइस, मैंने इसको पहले से ही डाउनलोड करके रखा है। तो गाइस आप देख सकते हैं, मैंने इन एमिनेशन वाले क्लिप ग्राफिक्स को पहले से ही डाउनलोड करके रखा है। आपको इन एमिनेशन वाले क्लिप ग्राफिक्स पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ से गाइस आपको इसमें 4 वाले क्लिप ग्राफ इसको इसमें लगा देना है। इस तरह से आपको इसको लगा देना है। यहाँ से आपको इसको डन कर देना है। सेकंड वॉलपेपर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद क्लिप ग्राफ इस पर क्लिक करना है। इन एमिनेशन वाले क्लिप ग्राफ इस पर क्लिक करना है। 4 वाले क्लिप ग्राफ इसको इसमें लगा देना है। तो गाइस आपको 5 वॉलपेपरों में चौथे नंबर वाले क्लिप ग्राफ इसको लगाना है। इस तरह से आपको 5 वॉलपेपरों में चौथे नंबर वाले क्लिप ग्राफ इसको लगा देना है। गाइस आप देख सकते हैं, मैंने पहले 5 वाले पेपरों में चौथे नंबर वाले क्लिप ग्राफ इसको लगा दिया है। आपको भी इस तरह से लगा देना है। अब गाइस आपको छठे वाले पेपर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद गाइस आपको इसमें गाइस आपको 7 नंबर वाले क्लिप ग्राफ इसको लगाना है। इस तरह से गाइस आपको 5 वाले पेपरों में 7 नंबर वाले क्लिप ग्राफ इसको लगा देना है। तो चलिए हम लगा देते हैं। इस तरह से गाइस आपको अलग अलग क्लिप ग्राफ इसको लगाते जाना है। तो गाइस आप देख सकते हैं, मैंने 5 वाले पेपरों में 7 नंबर वाले क्लिप ग्राफ इसको लगा दिया है। अब गाइस आपको फिर से 5 वाले पेपरों में अलग क्लिप ग्राफ इसको लगाना है। तो आपको इसमें अब 9 वाले क्लिप ग्राफ इसको लगाना है। तो इस पर आपको क्लिक करना है। इस तरह से आपको 5 वाले पेपरों में 9 वाले क्लिप ग्राफ इसको लगा देना है। गाइस आप देख सकते हैं, मैंने 5 वाले पेपरों में 9 वाले क्लिप ग्राफ इसको लगा दिया है। आपको सेकंड नंबर वाले क्लिप ग्राफ इसको इस तरह से लगाते जाना है। 5 वाले पेपरों में आपको लगा देना है।
इस तरह से गाइस आपको भी सभी वाल पेपर में अलग अलग क्लिप गैप इसको लगाते जाना है। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारी वीडियो कुछ इस तरह से यहाँ पर एडिट हो चुकी है। अब गाइस आपको फर्स्ट पोजिशन पर आ जाना है, लेयर पर क्लिक करना है, क्लिक होने के बाद मीडिया पर क्लिक करना है। यहाँ से गाइस आपको इसमें एक ब्लैक स्किन साउंड वाली वीडियो को सिलेक्ट करना है। इस तरह से गाइस आपको ब्लैक स्किन साउंड वाली वीडियो को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट होने के बाद गाइस आपको इस वीडियो के साउंड को निकाल लेना है। साउंड को निकालने के लिए आपको यहाँ से नीचे चले जाना है, नीचे एक ऑप्शन मिलेगा एस्ट्रक आइडो, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही गाइस आप देख सकते हैं ब्लैक स्किन वीडियो का साउंड निकाल कर आ चुका है। इस तरह से आपको ब्लैक स्किन वीडियो का साउंड निकाल लेना है। अब गाइस आपको ब्लैक स्किन वीडियो को डिलीट कर देना है। डिलीट करने के लिए आपको लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन मिल रहा है डिलीट वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही ब्लैक स्किन वीडियो डिलीट हो जाएगी। आप देख सकते हैं हमारी वीडियो में साउंड लग चुका है। आपको वॉलपेपर की लेयर को जूम आउट कर लेना है, इस तरह से आपको जूम आउट कर लेना है। अब गाइस आपके जहां से वॉलपेपर आने चालू हो रहे हैं यहां पर आपको आना है, आपको लेयर पर क्लिक करना है, क्लिक होने का तो मीडिया पर क्लिक करना है। यहां से गाइस आपको इसमें एक इफेक्ट वीडियो को सिलेक्ट करना है। इस तरह से गाइस आपको इफेक्ट वीडियो को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट होने के बाद आपको इसको खींचकर फुल स्क्रीन में इस तरह से लगा लेना है। यहाँ से गाइस आपको नीचे चले जाना है, नीचे एक ऑप्शन मिलेगा ब्लेंडिंग, इस पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद गाइस आपको स्क्रीन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, यहाँ से आपको इसको डन करना है। फिर से लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, क्लिक होने के बाद मीडिया पर क्लिक करना है। यहाँ से गाइस आपको इसमें एक और इफेक्ट वीडियो को सिलेक्ट करना है। इस तरह से गाइस आपको इफेक्ट वीडियो को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट होने के बाद आपको इसको खींचकर फुल स्क्रीन में इस तरह से लगा लेना है। यहाँ से आपको नीचे चले जाना है, नीचे एक ऑप्शन मिलेगा ब्लेंडिंग, इस पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको स्क्रीन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, यहाँ से आपको इसको डन कर देना है। गाइस आपको फर्स्ट पोजीशन पर आ जाना है। आपको लास्ट बार लेयर पर क्लिक करना है, क्लिक होने के बाद मीडिया पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको इसमें एक बॉर्डर लाइन को सिलेक्ट करना है। इस तरह से गाइस आपको बॉर्डर लाइन को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट होने के बाद आपको कैची के ऑप्शन के बगल में एक ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी बॉर्डर लाइन फुल स्क्रीन में लग जाएगी। आपको बॉर्डर लाइन की लेयर को खींचकर वीडियो के लेयर के बराबर कर देना है। यहाँ से आपको इसको डन कर देना है। गाइस आपके जो एक्स्ट्रा लेयर हैं आपको इनको पीछे से कट कर लेना है। कट करने के लिए आपको एक्स्ट्रा लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद कैची वाला ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। ट्रिम टू राइट टू पेड पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपकी एक्स्ट्रा लेयर पीछे से कट हो जाएगी। यहाँ से आपको इसको डन कर देना है। तो गाइस आपको इस तरह से सभी एक्स्ट्रा लेयर को पीछे से कट कर लेना है। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारी वीडियो पूरी तरह से यहाँ पर एडिट हो चुकी है। अब हम वीडियो को चलाकर देखेंगे। गाइस आप देख सकते हैं हमारी वीडियो कितने अमेजिंग तरह से यहाँ पर एडिट हो चुकी है। अब गाइस आपको इस वीडियो को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए आपको एक ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है एक्सपोर्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी वीडियो डाउनलोड होने लगेगी। तो दोस्तों आप इसी तरह से अपनी फोटो लगाकर किसी वाले पेपर को लगाकर न्यू ट्रेंडिंग व्हाट्सअप स्टेटस वीडियो बना सकते हैं। गाइस अगर आपको वीडियो बनाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। गाइस अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।